बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई एम प्रोफेसर नसार एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सुपर किंग। डियर स्टूडेंट, आज हम ईटा सीरीज़ 1 चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर ईटा, एमडीकैट, नीट, IIT एंड पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम। एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम बात करते हैं कि एटम क्या होता है। स्टूडेंट, एटम मैटर का वो छोटा जर्रा होता है, एटम मैटर का वो छोटा पार्टिकल होता है जो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। वर्ड एटम दो ग्रीक वर्ड एटॉम से डिराइव किया गया है। वर्ड एटम का मतलब होता है पार्टिकल विच इज नॉट कटेबल। चूंकि एटॉम्स, ए का मतलब होता है अन, टॉम्स का मतलब है कटेबल यानी नॉट कटेबल। स्टूडेंट, वर्ड एटम फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था बाय ग्रीक फिलासफर लिकुपस एंड हिज स्टूडेंट डेमोक्रेटस। एटम का वर्ड ग्रीक फिलासफर लिकुपस और उसके स्टूडेंट डेमोक्रेटस ने इंट्रोड्यूस किया था। ये ईटा का एमसीक्यूज हो सकता है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट, किसी भी एटम का जो डायामीटर होता है, एवरेज डायामीटर ऑफ एन एटम इज 10⁻⁻⁻ मीटर, जबकि न्यूक्लियस का जो डायामीटर होता है, न्यूक्लियस का डायामीटर होता है वो 10⁻⁻⁻ मीटर होता है। यानी कोई भी न्यूक्लियस अपने एटम से 10⁻⁵ टाइम छोटा होता है। कोई भी न्यूक्लियस अपने एटम से 1,00,000 टाइम क्या होता है, छोटा हुआ करता है। एटम मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक इज नो मोर इंडिविजिबल। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रिसर्च एटम कंसिस्ट ऑफ मोर देन 100 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल। उनको सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं, यानी ऐसे पार्टिकल जिनसे मिलकर एटम बने उनको सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। डियर स्टूडेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सब एटॉमिक पार्टिकल दो टाइप के होते हैं। एक को कहते हैं स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल, एक को कहते हैं अनस्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल। याद रखिएगा, ये ईटा के अंदर आपका एमसीक्यूज हो सकता है। जो स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल है उसमें प्रोटॉन होता है स्टूडेंट। जो स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल है उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन या नेगेट्रॉन होते हैं। पॉजिट्रॉन स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल है। एंटी प्रोटॉन स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल है। जबकि न्यूट्रिनो, फोटॉन और ग्रेविटेशन ये भी स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, लेकिन ये हमारे पास प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन और एंटी प्रोटॉन ये मैस पार्टिकल हैं, यानी ये मैस पार्टिकल हैं जो स्टेबल हैं। न्यूट्रिनो, फोटॉन एंड ग्रेविटेशन ये भी सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, लेकिन इनको एनर्जी सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। ये मैस लेस सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। स्टूडेंट, वो पार्टिकल जो कि अनस्टेबल होते हैं उनमें न्यूट्रॉन अक्सर आपका ईटा के अंदर ऑब्जेक्टिव आया करता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज अनस्टेबल। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, नन ऑफ दीज। अब स्टूडेंट समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों स्टेबल होते हैं, इसलिए वो नन ऑफ दीज पे चला जाता है। हालांकि न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन अनस्टेबल पार्टिकल है, ये डिके हो जाता है। स्टूडेंट, मीज़ान की फिर बहुत सारी टाइप हैं। मीज़ान के अंदर बहुत सारी टाइप्स होती हैं। पाई मीज़ान होता है, मेयो मीज़ान होता है, कापा मीज़ान होता है, जीटा मीज़ान होता है, फिर इसमें हर एक में पॉजिटिव नेगेटिव भी होता है। अ नंबर ऑफ टाइप ऑफ पार्टिकल मीज़ान। एक साइंटिस्ट है जिसकी थ्योरी है मीज़ान थ्योरी, उसके नाम से बहुत सारे ये पार्टिकल हमारे पास मीज़ान पार्टिकल कहलाते हैं। फिर स्टूडेंट वी पार्टिकल भी बहुत सारे होते हैं। V1 पार्टिकल, V नॉट पार्टिकल, V2 पार्टिकल, V इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव भी होते हैं, जनरली हम इसे V पार्टिकल कहते हैं। तो ये तीन टाइप के पार्टिकल क्या होते हैं, अनस्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल कहलाते हैं। अगर मेरे पास ऑब्जेक्टिव पूछा जाए, क्या ऑब्जेक्टिव पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनस्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल, न्यूट्रॉन, मीजान, V पार्टिकल, ऑल ऑफ दीज, तो स्टूडेंट हमारा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ दीज ऑप्शन होगा। याद रखिएगा स्टूडेंट, एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल होते हैं उनको हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। याद रखिएगा इन तमाम पार्टिकल में से तीन पार्टिकल प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, इनको फंडामेंटल पार्टिकल भी कहते हैं, क्योंकि एटम की सारी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट इन तीन पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं। इन तीन पार्टिकल में से इलेक्ट्रॉन को एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहते हैं। क्यों एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फर्दर सब डिवाइड नहीं हो सकता, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इसको अभी तक की जो रिसर्च के मुताबिक इसको मजीद आप डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए स्टूडेंट इसको क्या कहते हैं, इसलिए इसको आप एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहते हैं। तो स्टूडेंट ये थी a very brief description about the atom and particle present in atom। स्टूडेंट बात करते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी या डाल्टन एटॉमिक मॉडल। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी 1808 में जॉन डाल्टन अमेरिकन स्कूल टीचर ने पेश की। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वॉज पुट फॉरवर्ड बाय जॉन डाल्टन एन अमेरिकन स्कूल टीचर इन 1808। आपसे एमसीक्यूज हो सकते हैं कि जॉन डाल्टन बिलोंग टू, नीचे डिफरेंट कंट्रीज के ऑप्शन हो सकते हैं, ब्राज़ील, रशिया, ब्रिटिश, नन ऑफ दीज, तो आपका ऑप्शन नन ऑफ दीज होगा। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक सारे का सारा मैटर अंतहाई छोटे छोटे नाकाबिले तकसीम पार्टिकल पे मुश्तमिल है, जिसे क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। ऑल द मैटर कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। पोस्टुलेट नंबर 2, एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड During any physical or chemical process। कि एटम किसी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस के दौरान ना तो क्रिएट किए जा सकते हैं स्टूडेंट, ना तो एटम पहले से मौजूद जो हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। दैट इज आवर पोस्टुलेट नंबर 2 कि एटम की तादाद कांस्टेंट होती है। पोस्टुलेट नंबर 3 कि किसी एक एलिमेंट के सारे एटम हर लिहाज से एक जैसे होते हैं। Atoms of same element, all the atoms of same element are alike in all respect। That is our postulate number 3। Postulate number 4 कि chemical changes जो होती हैं वो एटमों के आपस में कंबाइन या एटमों के एक दूसरे से सेपरेट होने की वजह से होती हैं। केमिकल चेंजेस अक्कर ड्यू टू कम्बिनेशन आर ड्यू टू सप्रेशन ऑफ एटम। पोस्टुलेट नंबर 5 कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम सिंपल होल नंबर रेशियो बाय मास में कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो बाय मास टू फॉर्म व्हाट, कंपाउंड। स्टूडेंट ये 5 पोस्टुलेट हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के। ईटा के अंदर आपका एमसीक्यूज आता है, MDCAT के अंदर, नीट के अंदर आपका एमसीक्यूज आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डिफरेंट ऑप्शन दिए जाते हैं। इसी तरह आपके पास एमसीक्यूज आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट आपको बताता चलूं, दैट इज पोस्टुलेट नंबर 4। पोस्टुलेट नंबर 4 के अलावा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के सारे पास्टुलेट इनकरेक्ट हैं। यानी नाउअडेज एटम इज नो मोर इनडिविजिबल, आजकल एटम इनडिविजिबल नहीं है, अब एटम को आप डिवाइड कर सकते हैं। एटम की तादाद कांस्टेंट नहीं होती, आप एटम को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, एटम को आप क्रिएट भी कर सकते हैं। मैस को एनर्जी में और एनर्जी को मैस में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी एटमों की तादाद अब कांस्टेंट भी नहीं रही। किसी एक एलिमेंट के सारे एटम नाउअडेज एक जैसे नहीं हैं, आइसोटॉप्स होते हैं। एक ही एलिमेंट के एटम मुख्तलिफ हो सकते हैं, उनका साइज मुख्तलिफ हो सकता है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकती हैं। तो ये पास्टुलेट भी करेक्ट ना रहा। ये वाहिद पास्टुलेट है जो अभी तक करेक्ट है, दैट इज कि केमिकल चेंजेस होती हैं एटमों के कंबाइन होने से या सेपरेट होने से। स्टूडेंट, हमें पता है कि केमिकल चेंजेस होती हैं बांड टूटने या बांड बनने से। बांड टूटने के दौरान एटम जुदा होते हैं, बांड बनने के दौरान एटम कंबाइन होते हैं। नाउअडेज कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें एटमों की बाय मास जो कम्बिनेशन है उसकी रेशियो सिंपल होल नंबर नहीं होती, फ्रिक्शन में भी हो सकती है। कुछ हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट के ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें एलिमेंट के एटमों के दरमियान मास के हिसाब से सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं भी पाई जाती। तो इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पास्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, तो आपके पास एक ही बचेगा, दैट इज केमिकल चेंजेस अकर ड्यू टू कॉम्बिनेशन आर सेपरेशन ऑफ एटम। स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। सर विलियम क्रोक ने 1879 में डिस्चार्ज ट्यूब इन्वेंट की, जिसको कैथोड रे ट्यूब भी कहते हैं। स्टूडेंट, याद रखना, किसने डिस्चार्ज ट्यूब इन्वेंट की? सर विलियम क्रोक। इसको इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के साथ मिक्स नहीं करना, उस पर मैं बात करता हूं। कैथोड रे ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है? कैथोड रे ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब एक हालो ग्लास ट्यूब होती है जिसकी इनर वॉल को कोट किया जाता है विद फ्लोरेसेंट मटेरियल। पहला कंपोनेंट इसका होता है ग्लास, हालो ग्लास ट्यूब जिसकी इनर वॉल को कोट किया जाता है विद फ्लोरेसेंट मटेरियल। फ्लोरेसेंट मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जिसको जब कोई हाई एनर्जी पार्टिकल स्ट्राइक करेंगे तो वहां पे फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूस होगी। फिर इस हालो ग्लास ट्यूब में दो मेटालिक इलेक्ट्रोड फिट किए जाते हैं। इन में से एक इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी जिसको एनोड कहते हैं, एक को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी जिसको हम कैथोड कहते हैं। फिर इन दोनों इलेक्ट्रोड को हाई पावर जनरेटर यानी बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है और ट्यूब के साथ वैक्यूम पंप अटैच किया जाता है। वैक्यूम पंप की मदद से हम ट्यूब के अंदर एयर गैस के प्रेशर को डिजायर लेवल पे मेंटेन कर सकते हैं। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन थी, यानी ये इसके कंपोनेंट थे। अब इसकी जब वर्किंग पे बात करते हैं कि ये वर्किंग कैसे करेगी, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम गैस को क्या कर देते हैं, सबसे पहले हम ट्यूब को एयर गैस के साथ फिल कर देते हैं एट ऑर्डिनरी प्रेशर। गैस को ट्यूब में जब फिल कर देते हैं या एयर को जब ट्यूब के अंदर फिल कर देते हैं और बहुत ही हाई वोल्टेज 5000 वोल्ट अप्लाई करते हैं, तो ट्यूब के अंदर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होती, क्योंकि एट वेरी हाई प्रेशर गैस इज अ बैड कंडक्टर, एयर इज अ बैड कंडक्टर। अब हम क्या करते हैं, ट्यूब के अंदर एयर या गैस का प्रेशर रिड्यूस करके 0.1 bar छोड़ देते हैं। शुरू में नॉर्मल प्रेशर था 760 bar पे जब हमने हाई वोल्टेज 5000 वोल्ट अप्लाई की, कोई कंडक्शन नहीं हुई। अब हम ट्यूब के अंदर वैक्यूम पंप की मदद से प्रेशर को, एयर के प्रेशर को कम करेंगे, कम करके 0.1 टार छोड़ देंगे। जब 0.1 टार छोड़ के 5000 टू 10000 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ट्यूब के अंदर यूनिफॉर्म ग्लो प्रोड्यूस होता है, ट्यूब के अंदर यूनिफॉर्म ग्लो प्रोड्यूस होता है। फिर जब प्रेशर फर्दर रिड्यूस किया जाए, प्रेशर 0.01 टार छोड़ा जाए, प्रेशर 0.01 मिलीमीटर मर्करी छोड़ा जाए या टार छोड़ा जाए और 5000 टू 10000 वोल्टेज अप्लाई की जाए, यूनिफॉर्म ग्लो डिसअपियर हो जाता है, ट्यूब के अंदर यूनिफॉर्म ग्लो डिसअपियर हो जाता है, डार्क स्पेस क्रिएट हो जाती है। लेकिन स्टिल वॉल ऑफ द ट्यूब पे फ्लोरेसेंट काज होती है, वॉल ऑफ द ट्यूब अपोजिट टू कैथोड वहां पे हमारे पास सेंटिलेशन होती है। अब स्टूडेंट हमारे पास 3 ऑब्जर्वेशन हुई, अब इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना। हमारे पास ईटा का एमसीक्यूज आता है कि व्हाट हैपन व्हेन 5000 वोल्ट वाज अप्लाइड टू कैथोड रे ट्यूब एट ऑर्डिनरी प्रेशर। ऑप्शन 1 fluoresces, ऑप्शन 2 यूनिफॉर्म ग्लो इज प्रोड्यूस, ऑप्शन C बोथ एंड भी नन ऑफ दीज। तो हमारा ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। अब ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बता चुका हूं, ऑर्डिनरी प्रेशर पे जब प्रेशर 760 टार या 760 मिलीमीटर मर्करी या 1 एटीएम था, गैस के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा थे, इतनी ज्यादा मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन बहुत ज्यादा थी। जो हमने वोल्टेज अप्लाई की, ये वोल्टेज उन मॉलिक्यूल को एटमों में और उन एटमों को इलेक्ट्रॉनों में या उन मॉलिक्यूल को एटमों में कन्वर्ट करके उस एटमों के इलेक्ट्रॉनों को एक्साइट ना कर सकी, इसलिए कोई कंडक्शन ना हुई ऑर्डिनरी प्रेशर पे। जब हमने प्रेशर 0.1 टार कर दिया तो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल बहुत ही कम हो गए। अब जब हमने हाई प्रेशर, जब हमने हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, इस पावर ने गैस मॉलिक्यूल को एटमों में कन्वर्ट किया और एटमों के इलेक्ट्रॉनों को एक्साइट किया। जब वो इलेक्ट्रॉन डीएक्साइट हुए तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो एक्साइट हुए थे, वो एनर्जी उन इलेक्ट्रॉनों ने एमिट की इन द फॉर्म ऑफ लाइट और ट्यूब के अंदर यूनिफॉर्म ग्लो प्रोड्यूस हो गया। स्टूडेंट याद रखिएगा, जब प्रेशर फर्दर रिड्यूस किया गया, 0.01 टार किया गया, तो हमारे पास यूनिफॉर्म ग्लो डिसअपीयर हो गया, कुछ रेज प्रोड्यूस हुई और उन रेज ने जब स्ट्राइक किया इनर वॉल ऑफ द ट्यूब को अगेंस्ट द कैथोड, तो उधर फ्लोरेसेंट मटेरियल था, उसको जब स्ट्राइक किया तो वहां पे एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन हुई, जिससे सेंटिलेशन यानी फ्लश ऑफ लाइट प्रोड्यूस हुई। इस तरह हमें ये 3 मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन देखने को मिली। तो ये वर्किंग थी डिस्चार्ज ट्यूब। याद रखिएगा स्टूडेंट, डिस्चार्ज ट्यूब में जो ग्लो प्रोड्यूस होता है वो ग्लो डिपेंड करता है, वो ग्लो किस पे डिपेंड करता है, वो ग्लो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। ये आपका ईटा के अंदर एमसीक्यूज होता है कि कौन सी गैस होगी, कौन सा कलर होगा। मैं आपको एक टेबल बताता हूं स्टूडेंट, कलर ऑफ ग्लो इनसाइड द ट्यूब ये डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ ट्यूब, नो। प्रेशर ऑफ गैस इनसाइड द ट्यूब, नो। हां डिपेंड करेगा नेचर ऑफ ट्यूब पे, डिपेंड सॉरी नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा। अगर हमारे पास हाइड्रोजन गैस होगी तो ग्लो का कलर ब्लू होगा, अगर मेरे पास ऑक्सीजन गैस होगी तो ग्लो का कलर वायलेट ब्लू होगा, अगर मेरे पास नियान गैस होगी तो कलर रेड होगा, अगर मेरे पास क्रिप्टॉन गैस होगी कलर पिंकिश होगा, अगर मेरे पास जीनान गैस होगी कलर ब्लूइश होगा। यहां से 2 तरह के ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि व्हेन जीनान गैस इज यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब द कलर ऑफ द ग्लो विल बी ऑप्शन 1 ब्लू, ऑप्शन 2 वायलेट, ऑप्शन B वायलेट, ऑप्शन 3 रेड, ऑप्शन D नन ऑफ दीज। तो जब हम जीनान गैस यूज करेंगे तो हमारा कलर ब्लूइश है, तो हमारा ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। दूसरा एमसीक्यूज हो सकता है, दूसरा एमसीक्यूज मेरे पास इस तरह सा हो सकता है कि ड्यूरिंग दैट स्टार ट्यूब एक्सपेरिमेंट ग्लो इनसाइड द ट्यूब वाज प्रोड्यूस, कलर ऑफ द ग्लो वाज पिंकिश, कलर ऑफ द ग्लो वाज पिंकिश, द गैस कुड बी, गैस इन द ट्यूब कुड बी, गैस कौन सी हो सकती है? ऑप्शन 1 ऑक्सीजन, ऑप्शन 2 नियान, ऑप्शन 3 क्रिप्टॉन, ऑप्शन D जीनान। तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा स्टूडेंट? क्रिप्टॉन बनेगा। इस तरह का ऑब्जेक्टिव यहां से हो सकता है। फिर स्टूडेंट एक और बात याद रखना कि हमारे पास कैथोड रेस प्रोड्यूस करने के लिए, डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड रेस प्रोड्यूस करने के लिए कितनी वोल्टेज रिक्वायर्ड होगी? वो वोल्टेज 3 बातों पे डिपेंड करेगी। एक मर्तबा फिर आपका ईटा एमकैट नीट का ऑब्जेक्टिव होता है कि वोल्टेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस कैथोड रेस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगी? ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करेगी। कौन से 3 फैक्टर? नंबर 1 लेंथ ऑफ ट्यूब, नंबर 2 प्रेशर ऑफ गैस इन द ट्यूब, नंबर 3 नेचर ऑफ गैस। तो ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करेगी। अगर हमारा ये एमसीक्यूज आता है तो हमें क्या करना होगा? हमें ऑल ऑफ दीज के ऑप्शन पे जाना होगा। स्टूडेंट अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, केमिस्ट्री सुपर किंग को आप सब्सक्राइब करें। ईटा केमिस्ट्री के हवाले से आई गारंटी यू कि यू विल लर्न अ लॉट ऑफ न्यू एस्पेक्ट्स। एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट, जब कभी भी ईटा केमिस्ट्री पढ़नी हो, ईटा केमिस्ट्री सीखनी हो, जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए केमिस्ट्री आपको पढ़नी पड़े तो याद रखिएगा यू विल हैव टू फाइंड ऑथेंटिक एक्सपीरियंस एंड स्किलफुल टीचर। यूट्यूब के ऊपर अ नंबर ऑफ लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी उनमें से ऐसे लोग होते हैं जिनका ईटा के हवाले से कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होता, जो कभी खुद इस एग्ज़ाम से गुजरे ही नहीं होते, जो जिन्होंने खुद कभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया होता, जो खुद 4-4 बार 5-5 बार एग्ज़ाम में बैठे होते हैं। वो प्रेशर फील करके, वो प्रेशर झील के वो उससे निकले ही नहीं होते। तो इसके लिए आपको ऐसा मेंटोर चाहिए होता है जो खुद इन मरहलों से गुजरा हो, एंड यू आर लकी एनफ। मैं 3 पब्लिक सर्विस कमीशन कर चुका हूं। मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन के अलावा इंटरनेशनल जीआरई, सब्जेक्टिव जीआरई और हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर किया है केमिस्ट्री के अंदर। तो ये मेरा आपको बताने का मकसद ये है, मैं आपको ओपन चॉइस देता हूँ। यूट्यूब पे जाइएगा, दुनिया भर के यूट्यूबर्स से पढ़िएगा, मेरी वीडियो भी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़र्क नज़र आएगा। मैं ये क्यों कहता हूँ आपको फ़र्क नज़र आएगा? मैं इसके लिए बहुत मेहनत करता हूँ। मैं यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए मुंह उठा के सिर्फ नहीं आ जाता, इसके पीछे मेरा प्लान होता है, इसके पीछे मैंने प्लानिंग की होती है, इसके पीछे मेरा 15 साल एक्सपीरियंस है। गुज़श्ता 3 सालों में 2 मरतबा मेरे स्टूडेंट ईटा टॉप 10 के अंदर आ चुके हैं। मानसरा के स्टूडेंट उनको जानते हैं। तो स्टूडेंट बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस। स्टूडेंट बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस। ईटा के अंदर एमसीक्यूज आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डिटरमिन बाय साइंटिस्ट का नाम दिया जाता है, या आपके पास प्रॉपर्टी दी जाती है कि दिस प्रॉपर्टी वाज डिटरमिन बाय, नीचे साइंटिस्ट के नाम दिए जाते हैं। तो इस एस्पेक्ट से इस आर्टिकल को हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट याद रखना कैथोड रेस की सबसे पहली प्रॉपर्टी कि कैथोड रेस आर नेगेटिवली चार्ज। ये प्रॉपर्टी डिटरमिन की थी जे पैरन एंड जे.जे. थॉमसन ने। कैथोड रेस ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ये प्रॉपर्टी डिटरमिन की थी जे.डब्ल्यू. हिटटॉर्फ। कैथोड रेस मटेरियल इन नेचर होती हैं, ये प्रॉपर्टी मालूम की थी सर विलियम क्रूक ने। कैथोड रेज मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हुआ करती हैं, जिससे ये इंडिकेट होता है कि ये चार्ज रेज हैं। तो ये प्रॉपर्टी मालूम की थी जे.जे. थॉम्सन ने। कैथोड रेज इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होती हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। कैथोड रेज इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होती हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। कैथोड रेज एक्स रेज प्रोड्यूस कर सकती हैं। जब ये स्ट्राइक करेंगी एटम ऑफ एलिमेंट ऑफ हाई एटॉमिक नंबर, कैथोड रेज केमिकल चेंज काज कर सकती हैं। स्टूडेंट कैथोड रेज पेनिट्रेट हो सकती हैं थ्रू मटेरियल शीट लाइक एल्युमिनियम और गोल्ड। कैथोड रेस आयोनाइजेशन काज कर सकती हैं। कैथोड रेस एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल, लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल, जिनको लेटर ऑन नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। अब स्टूडेंट मैं बात करूंगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर। स्टूडेंट बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की जब बात करते हैं, याद रखना डिस्चार्ज ट्यूब की डिस्कवरी और है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी और है। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया जे.जे. थॉम्सन ने 1887 में। इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया जी.जे. स्टोने ने। इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशो मालूम की जे.जे. थॉम्सन ने 1897 के अंदर। ये स्टूडेंट सारे आपके एमसीक्यूज हैं। अब याद रखना चार्ज टू मास रेशो की इक्वेशन होती है E/B²R। बाद दफा आपको कहा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्वेशन फॉर चार्ज टू मास रेशो। चार्ज टू मास रेशो होती है E/B²R। यहाँ पे E क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। B क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। R क्या? रेडियस ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। याद रखना जे.जे. थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशो फाइंड करने के लिए जो डिस्चार्ज ट्यूब यूज की उसमें एनोड परफोरेटेड था। ये भी आपका बाद ऑफ एमसीक्यूज होता है। उसमें एनोड परफोरेटेड था। उसने इस ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए और दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल रखी। ये एक और आपका ऑब्जेक्टिव हुआ करता है। फिर स्टूडेंट चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यू जो जे.जे. थॉम्सन ने डिटरमिन की वो आई 1.758 × 10⁻¹1 कूलम पर kg। बाद दफा आपका डायरेक्ट इस पे ऑब्जेक्टिव होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ चार्ज टू मास रेशियो, और ये डिफरेंट स्टाइल से दी जाती है। स्टूडेंट अगर कूलम पर kg हो तो 10⁻¹ होगी, लेकिन अगर ग्राम में करेंगे तो इस केजी को 1000 ग्राम लिखेंगे। 1000 10³ होता है। ये 10³ ऊपर आकर माइनस हो जाएगी। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं ऐसे स्टूडेंट लिख सकता हूँ 1.758 × 10⁻11 कूलम / किलोग्राम के बजाय मैं 1000 ग्राम लिख सकता हूँ, चूंकि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो इस 1000 का मतलब होता है 10⁻³ तो मैं लिख सकता हूँ 1.758 × 10⁻11 × 10⁻⁻³ कूलम पर ग्राम। चूंकि ये 1000 जब ऊपर जाएगा तो 10⁻³ माइनस हो जाएगा। अब स्टूडेंट को सॉल्व कर लें तो मेरे पास ये वैल्यू बनेगी। इसी तरह अगर मिलीग्राम में ये दिया जाए तो 1.758 × 10⁻⁵ कूलम पर मिलीग्राम। बाद में स्टूडेंट एक और टेक्निक की जाती है, आपका ये डेसिमल इधर शिफ्ट किया जाता है। जब ये डेसिमल राइट शिफ्ट किया जाए तो पावर एक माइनस हो जाएगी। यानी इसी वैल्यू को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 17.58 × 10⁻10 कूलम। तो इन सारी चालाकियों के साथ होशियार रहना। यानी अगर मैं आपसे एमसीक्यूज पूछता हूं कि कौन सी इसकी करेक्ट वैल्यू है, मैं एक वैल्यू ये लिख देता हूं 175.8 × 10⁻9 कूलम पर kg। तो स्टूडेंट याद रखना ये भी करेक्ट वैल्यू है, इसमें डेसिमल शिफ्टिंग हुई हुई है। इसी तरह स्टूडेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के अंदर क्या वैल्यू होती है? 5.27 × 10⁻17 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट पर ग्राम। ये वैल्यू होती है किसकी? ये वैल्यू होती है चार्ज की वैल्यू हुआ करती है। अब स्टूडेंट याद रखना आपके पास ईटा के अंदर लंबी चौड़ी डेरिवेशनों की आपको ज़रूरत नहीं होती। आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, आपको ये याद करनी पड़ेगी, ये वैल्यू याद कर लें, इसकी कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। बाद दफ़ा उसने मिलीग्राम में भी क्या किया होगा, डेसिमल शिफ्ट किया होगा। यानी मैं आपका ऊपर अगर एक MCQs बोलूँ तो आप पे एक MCQs बोलूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट वैल्यू ऑफ चार्ज टू मास रेशो। मेरे पास पहला ऑप्शन है, ऑप्शन वन है 17.58 इंटू 10 रेज द पावर 10 कूलम पर किलोग्राम। मेरे पास दूसरा ऑप्शन है स्टूडेंट 1.758 इंटू 10 रेज द पावर 8 कूलम पर ग्राम। मेरे पास तीसरा ऑप्शन है 17.58 इंटू 10 रेज द पावर 4 कूलम पर मिलीग्राम। मेरे पास एक चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज और पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अब स्टूडेंट जरा गौर करना, जब हमने सिर्फ ये रटा होता है कि 1.75 इंटू 10 रेज द पावर 11 कूलम पर केजी, तो हम इस MCQs पे नन ऑफ दीज पे चले जाएंगे। हालांकि क्या किया है आप देखें, 1.75 इंटू 10 रेज द पावर 11 कूलम पर केजी। अब स्टूडेंट मैंने क्या किया, इस डेसिमल को इधर शिफ्ट किया है। जब डेसिमल राइट शिफ्ट किया, पावर एक माइनस होगी तो ये 10 बन जाएगा। 17.58 इंटू 10 रेज द पावर 10 कूलम पर केजी एक ऑप्शन बन गया। अब स्टूडेंट मैंने क्या किया है, इसमें मैंने क्या किया है, किलोग्राम को जब मैं ग्राम में कन्वर्ट किया तो 10 रेज द पावर -3 होगी, 8 बन गया। 1.758 इंटू 10 रेज द पावर 8 कूलम पर ग्राम, ऐसा भी हो सकता है। अब दो ऑप्शन जब ठीक हो गए, ऑल ऑफ दीज पे हमें जाना होगा। अब यहां पे देखें मैंने क्या किया है, इसको पहले मैं ग्राम में जब कन्वर्ट करूंगा, 17.58 इंटू 10 रेज द पावर 10 कूलम को पर ग्राम को पर किलोग्राम को जब मैं ग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 17.58 इंटू 10 रेज द पावर 7 कूलम पर ग्राम। अब इस ग्राम को जब मैं मिलीग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो 10 की पावर 7 और कम हो जाएगी, तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरह की वैल्यू में स्टूडेंट डेसिमल की शिफ्टिंग का ख्याल करना। बाद दफ़ा ऐसा भी हो सकता है कि इसको आपको ऐसे भी दिया जा सकता है, इस वैल्यू को आपको ऐसे भी दिया जा सकता है 0.175 इंटू 10 रेज द पावर 12 कूलम पर केजी। अब मैंने क्या किया, डेसिमल मैंने लेफ्ट शिफ्ट किया है। जब डेसिमल मैंने लेफ्ट शिफ्ट किया, पावर एक एड अप हो जाती है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं, इस तरह की वैल्यू बाद दफ़ा दी जाती है और बाद दफ़ा करेक्ट वैल्यू जो नॉर्मल हमारी बुक में वैल्यू होती है उससे किसी दूसरे स्टाइल में दी जाती है और बाकी साथ गलत वैल्यू दी जाती हैं। और साथ ऑल ऑफ दीज का भी दिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट वैल्यू, तो फिर बच्चा उस पर चला जाता है। तो इन बातों का आपने क्या करना है, ख्याल करना है। नेक्स्ट टून मेरे पास करेक्टरिस्टिक्स है, याद रखना इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस होता है, इलेक्ट्रॉन का रेडियस क्या होता है, 2.8 इंटू 10 रेज द पावर -13 -13 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस होता है 2.8 इंटू 10 रेज द पावर -13 सेंटीमीटर होता है। तो स्टूडेंट याद रखना आखिरी करेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रॉन का जो मैस होता है वो होता है 9.11 इंटू 10 रेज द पावर -31 किलोग्राम। अब स्टूडेंट इस मैथ्स को आप मुख्तलिफ स्टाइल से लिख सकते हैं। इस मैथ्स को ऐसे भी लिख सकते हैं 0.911 इंटू 10 रेज द पावर -30 किलोग्राम। अब मैंने डेसिमल लेफ्ट शिफ्ट किया, पावर एक प्लस होगी, ये आंसर आ गया। अब इनको मैं अगर ग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो पावर +3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे किलोग्राम को मैं क्या करूंगा, किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम के, तो 1000 होता है 10 रेज द पावर 3। 10 रेज द पावर 3 को जब -31 से ऐड करूंगा तो ये मेरे पास बन सकता है 9.11 इंटू 10 रेज द पावर -28 ग्राम, ये भी मेरे पास हो सकता है। इसी तरह इसको जब मैं अगर करूँगा 0.911 इंटू 10 रेज द पावर किलोग्राम के बजाय 1000 ग्राम जब लगाऊंगा 10 रेज द पावर 3 ग्राम लगाऊंगा, 3 इसके साथ साल्व होगा -27 ग्राम, ऐसे भी हो सकता है। अब इसी तरह मैं इसको मिलीग्राम की तरफ लेकर आ सकता हूँ, 9.11 इंटू 10 रेज द पावर 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम के बराबर होते हैं, मेरे पास बनेगा -25 मिलीग्राम। यहाँ पे मेरे पास बनेगा 0.911 इंटू 10 रेज द पावर -24 मिलीग्राम, ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब स्टूडेंट याद रखना इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इस डेसिमल को इधर ले आए तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 91.1 इंटू 10⁻⁻⁻² किलोग्राम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इस वैल्यू को ग्राम के अंदर, मिलीग्राम के अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट याद रखना, इलेक्ट्रॉन का मैस mu के अंदर जब हम बात करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन का मैस mu के अंदर होता है 0.00055 mu। mu के अंदर जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, 0.00055 mu एक इलेक्ट्रॉन का मैस हो गया। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा सेशन, दैट इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें फॉर द इफेक्टिव लर्निंग ऑफ केमिस्ट्री, फॉर ईटा, फॉर एनी सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। स्टूडेंट अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। हर स्टूडेंट अपना फीडबैक लाजमी दें कि उसे ये कैसी लगी। जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, इस चैप्टर में आज तक जितने भी ईटा के एमसीक्यूज आए हैं उन पे मेरी 2-3 वीडियो आएंगी इंशाल्लाह। केमिस्ट्री में किसी हवाले से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन रेगुलर मेरी वीडियो देखा करें। अगर आपको एक बार समझना है दूसरी बार देखा करें, और अप्रोच अपनी इम्प्रूव करने की कोशिश करें टूवर्ड द प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड अपना बेहतर बनाएं, अपनी कैलकुलेशन को इम्प्रूव करें। इंशाल्लाह कोई वजह नहीं है कि आप बहुत आगे ना चले जाएं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।